ये एक्सपायरी भी हो चुका है. ओके ये स्टिल शॉक की 35 रुपीज में आपको 150 स्प्रे मिल रहे हैं, वो भी इतनी क्यूट सी पैकेजिंग में. आई मैं कहीं स्पेशल जाती हूँ ना कोई. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. आज की वीडियो काफी खुशबूदार होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास पूरा खुशबू से भरा बॉक्स है. मेरी मैक्सिमम वीडियोस में जहाँ मैं आपको रेकमेंड करती थी ना, एक दो परफ्यूम मिस्ट हमेशा रिक्वेस्ट आती थी, प्लीज शेयर करो अपनी पूरी कलेक्शन. और मेरी जो कलेक्शन है ना, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होने वाली है. आई एम नॉट इन टू वेरी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स एंड EDPs एंड ऑल, मैं इतने एक्सपेंसिव अभी नहीं लेती, तो काफी सारे आपको अफोर्डेबल ऑप्शन भी मिल जाएंगे. एंड बहुत सारे मैं ट्रैवल साइज भी खरीदती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि बैग्स और छोटे छोटे क्लच में रखने के लिए आपको कौन से परफ्यूम या फिर EDPs कैरी करने चाहिए. सो आज की वीडियो में बहुत सारा कशी का ज्ञान होने वाला है. पहली बार मुझे देख रहे हो, प्लीज टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माय डिजिटल फैमिली. यहाँ पर हम बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन, सजेशन, रिव्यूज, हॉल्स करते रहते हैं. सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट विद बॉडी मिस्ट, बिकॉज मैं पर्सनली बॉडी मिस्ट की सबसे ज्यादा फैन हूँ. स्पेशली समर्स में तो मैं भर भर के लिटरली मैं नहा लेती हूँ बॉडी मिस्ट के अंदर. मैं बॉडी पर भी लगा लेती हूँ, फिर मैं कपड़ों पर भी लगा लेती हूँ. और ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते ना, तो मुझे ठीक लगते हैं. और ये ज्यादा ना चढ़ते नहीं है, फील लाइक बॉडी मिस्ट काफी माइल्ड होते हैं, वो आपको इतना हेडेक नहीं देते. मैंने डिओडोरेंट यूज करना काफी टाइम पहले बंद कर दिया था, आई डोंट नो व्हाई, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है. मैं कॉलेज टाइम में ना डिओ यूज करती थी, अब मैं इतना डिओ नहीं यूज करती, बिकॉज में गैस का अमाउंट ज्यादा होता है, खुशबू कम होती है, और वो इतना ना स्टे भी नहीं करता. बॉडी पे लगा लो तो उसका अल्कोहल से आपके अंडर आर्म भी डार्क हो जाते हैं. तो मैं अंडर आर्म के लिए तो निविया का रोल ऑन यूज करती हूँ, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वाली समर बॉडी के एसेंशियल वीडियो में दिखाया था. मैं रोल ऑन यहाँ पर नहीं मेंशन कर रही, बट कमिंग टू बॉडी मिस्ट, जो मेरा अल्टीमेट फेवरेट बॉडी मिस्ट है, जो मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, आई थिंक एक साल से तो ऊपर हो गया होगा. यू कैन सी अभी भी इसमें इतनी क्वांटिटी बची है, सो ये बहुत लंबा चलने वाला है. यू कैन डेफिनेटली गेट योर हैंड्स ऑन दिस. ये नायका का वॉन्डरलस्ट रेंज का, नायका के बहुत सारे ना वॉन्डरलस्ट रेंज आती है, और उसमें पूरा एक सेट आता है. लाइक दे हैव बॉडी वॉश, दे हैव डिओड्रेंट्स एज वेल, उसके अंदर एक आपको हैंड वॉश भी मिलता है, इसके अंदर बहुत सारी बॉडी लोशन भी आपको मिलता है. सो इनकी मेडिटेरियन सी सॉल्ट रेंज आई थी मेरे पास, ये उसका इनका बॉडी मिस्ट है बेसिकली. एंड इट इज सो सो गुड, इट स्मेल सो फ्रेश. मतलब अगर आपको एक्वा खुशबू पसंद है ना, लाइक थोड़ी सी एक्वेटिक वाली जो एकदम फ्रेश है, ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं ओशन से नहा के आ रहे हो, मतलब समझ जाओ थोड़ी सी एक्वेटिक वाली जो खुशबू होती है. मैं पूरी वीडियो में ना ये समझ जाओ बोलने वाली हूँ, बिकॉज मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं खुशबू समझा पाऊँ. बट दिस वन इज रियली नाइस, इट लिटरली फील्स लाइक कि आपने बहुत अच्छा एक लॉन्ग शावर लिया है और आप एकदम रिफ्रेशिंग स्मेल कर रहे हो. सो अगर आप कॉलेज जाते हो या फिर आप स्कूल जाते हो ना, तो आई थिंक ऐसी फ्रेग्रेंस ज्यादा अच्छी लगती है. दे आर नॉट वेरी सेक्सी, सेंशुअल और सिट्रसी, एकदम परफेक्ट इसकी एक्वेटिक खुशबू है. एंड एज आई टोल्ड यू, काफी लंबा चलता है, बिकॉज मैं बहुत टाइम से यूज करी हूँ. यू कैन सी खाली यहाँ तक ही आया है. नायका पर इसके डिस्काउंट भी चलते रहते हैं, तो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो. और अगर आप डिओड्रेंट यूज करना प्रेफर करते हो, सेम रेंज का ही एग्जैक्टली इसी का एक डिओड्रेंट बॉटल भी आती है. सो वो डिओ फॉर्म में होगा, अगर आप वो लेना चाहते हो अपने बैग्स के लिए, तो आप वो भी ले सकते हो. बट ये स्पिल प्रूफ है, इसमें कोई भी मैंने आज तक स्पिलेज इतनी एक्सपीरियंस नहीं करी, तो ये भी आप अपने बैग्स के लिए कैरी कर सकते हो. सेकंड फेवरेट बॉडी मिस्ट जो मैंने रिसेंटली रीस्टॉक किया है, वो है ये प्लम का बॉडी लविंग ट्रिपिंग मिमोसा रेंज का बॉडी मिस्ट. सो प्लम की भी काफी सारी बॉडी रेंज आती है, उनके अंदर भी उनके शार जेल, बॉडी स्क्रब आता है, लोशन आता है. सो इनकी ट्रिपिंग मिमोसा रेंज का ही बॉडी मिस्ट है. एंड इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक मिमोसा. आप कोई कैफे में जाते हो ना, मिमोसा ड्रिंक ऑर्डर करते हो, जो मौसमी ऑरेंज पाइनएप्पल का जैसे एक जूस होता है ना, वैसी स्मेल करती है. इट एक्जैक्टली स्मेल्स लाइक दिस. तो अगर आपको खट्टी खुशबू का शौक है, आपको अच्छी लगती है ऑरेंज सिट्रसी वाली खुशबू, तो ये आप ले सकते हो. ये मेरा समर का फेवरेट मिस्ट है, मुझे समर्स में ऐसी वाली खुशबू यूज करना बहुत पसंद है. यहाँ इसका मिस्ट भी काफी फाइन है, लाइक इट इज सो फाइन, ये बॉडी में बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है. इसका भी फाइन है, लेकिन प्लम का जो बॉडी मिस्ट है मुझे ये ज्यादा और फाइन लगता है. जस्ट इन केस आपको इतनी सिट्रसी खट्टी वाली खुशबू नहीं पसंद, तो आप इनकी बाकी रेंज ट्राई कर सकते हो. एक इनकी हवाइन रूमा रेंज आती है, एक वनीला वाइब्स भी रेंज आती है. अगर आपको थोड़ी सी मीठी खुशबू पसंद है ना, आई एम रियली सॉरी, आज की वीडियो में आपको इतने मीठे वाली खुशबू के सजेशन नहीं मिलेंगे, बिकॉज मुझे पर्सनली मीठी खुशबू नहीं पसंद. मुझे फुलवारी बन के निकलना नहीं अच्छा लगता. आई डोंट नो, आई हेट स्वीट वाली जो फ्रेग्रेंसेज होती है ना, मुझे बहुत अजीब लगती है. नेक्स्ट बॉडी मिस्ट मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, यहाँ पर आ चुका है. मैं बचा कुचा रोज यूज करके इसको खत्म करने वाली हूँ, बिकॉज इसको काफी टाइम हो चुका है. आई थिंक 2-2.5 साल इसको हो चुके होंगे. आई एम नॉट रियली श्योर, ये एक्सपायरी है या ये एक्सपायरी भी हो चुका है. ओके ये लास्ट ईयर दिसंबर में एक्सपायर हो गया था, बट नेवर माइंड, मैं तो यूज कर लेती हूँ, कपड़ों पे किसी को पता चल रहा है. सो ये है न्यू यू का रॉयल मस्क फ्रेग्रेंस मिस्ट, एंड दिस फॉर मेन. एज आई टोल्ड यू, मुझे थोड़ी सी मेन साइड जो खुशबू होती है ना, मुझे अच्छी लगती है. सो इफ यू ऑल्सो लाइक फ्रेश, जो जैसे ये बिल्कुल मैनली नहीं है कि एकदम सर पे चढ़ेगी और बहुत स्ट्रांग लगेगी, बट इट इज एक्चुअली अ परफेक्ट फ्रेग्रेंस जो थोड़ी सी मैनली फील होती है. Yeah, I really like it. So, अगर आपको भी इतनी कोई सिट्रसी या बिल्कुल मीठी खुशबू नहीं पसंद, this is something in the middle. इसकी बहुत परफेक्ट एक
या इट्स लाइक वुडी प्लस एक्वाटिक जो मिक्स होता है ना, इसकी वैसी वाली खुशबू है ये। अगर आपको नहीं पता न्यू यू क्या है, आप बहुत सारे मॉल्स में या फिर कहीं शॉपिंग करने भी जाते हो ना, न्यू यू के आपको स्टोर्स दिखते हैं। सो न्यू यू अपने बॉडी मिस्ट परफ्यूम्स ही बनाता है, सो इनका बॉडी मिस्ट है बेसिकली, इसका रॉयल मस्ट नाम है। आप इनके स्टोर पे जाके ले सकते हो। आई एम नॉट रियली श्योर ये ऑनलाइन मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं सबकी कोशिश करूंगी लिंक नीचे डालने की अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगा, अदरवाइज ये आप उनके स्टोर से ले सकते हो। इसके ऊपर एमआरपी मिट चुकी है बिकॉज एज आई टोल्ड यू बहुत टाइम हो गया था, बट इसकी क्वांटिटी काफी सही है। 250 रुपीज में आपको काफी बड़ी बॉटल मिल रही है एंड इट स्मेल्स वेरी डिवाइन। नेक्स्ट अप आई हैव क्यूटेस्ट बॉडी मिस्ट, जो इतने टीनी टाइनी सी पैकेजिंग में आते हैं, एकदम प्रॉपर ये स्प्रे बॉटल्स है बाय द वे, बिल्कुल भी वो ट्रायल वाले नहीं है जो आपको खोल के ऐसे लगाने पड़ते हैं। सो ये फ्रॉम द ब्रांड इटैल वेलॉस। मेरे पास इनके बहुत सारे वेरियंट हुआ करते थे बिकॉज बैक इन द डेज मैं स्मिटन से बहुत ज्यादा शॉपिंग किया करती थी। जो मेरी ओजी फैमिली है जो मुझे एक दो साल पहले से यहाँ पे यूट्यूब पर फॉलो करी, उनको पता है मैं स्मिटन के कितने ट्रायल्स लिया करती थी। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है स्मिटन ऐप क्या है, बेसिकली मैं उसकी वीडियो नीचे डाल दूंगी, मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है कि स्मिटन पर शॉपिंग कैसे करते हैं। मैं ये वाले बॉडी मिस्ट पिकअप किया करती थी, ये एक या दो ट्रायल पॉइंट जितने होते थे। सो अंडर ₹199 आप 2-3-4 ऐसे बॉडी मिस्ट आराम से ले सकते हो। मेरे पास ये है सबसे पहले इटैल वेलॉस का लव एंड पीस। ये थोड़ा सा मीठा मीठा ना, इसलिए ऐसी का ऐसी रखा हुआ, मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं किया। ये प्रॉपर ऐसी स्प्रे पैकेजिंग में आते हैं एंड या इसकी खुशबू मतलब मीठी नहीं है बट इट्स स्लाइटली ऑन स्वीटर साइड। आई रियली लाइक दिस वन। ये भी इटैल वेलॉस ब्रांड का ही है। ये है मिड नाइट किसेस, इसकी है प्रॉपर वाली जो एकदम डेट नाइट वाली खुशबू होती है ना। या इट स्मेल्स वेरी नाइस अगेन, जो थोड़ी सी मैंडी साइड खुशबू होती है ना इसकी, बिल्कुल वैसी है। सो अगर आप स्मिटन से ट्रायल लोगे ना, ये मिड नाइट किसे जरूर ट्राई करना। इटैल वेलॉस के परफ्यूम फॉर्म में भी मिलते हैं लेकिन उसके ट्रायल पॉइंट थोड़े से ज्यादा होते हैं। 4-5 ट्रायल पॉइंट्स में आपको एक परफ्यूम टाइप मिल जाता है जो रोल ऑन फॉर्म में आता है, तो वो भी आप ले सकते हो। बट मुझे ये दोनों एकदम परफेक्ट लगते हैं। द बेस्ट पार्ट इज ये ना खुल भी जाते हैं। सो यहाँ पे इनका एक ऐसे लाइक राउंड राउंड सा है। सो ये बेसिकली आप देख सकते हो ऐसी इसकी पैकेजिंग है एंड यू कैन ओपन इट फ्रॉम हेयर एज वेल। तो जब ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, आप कोई भी अपनी नॉर्मल बॉडी का जो बड़ा वाला मिस्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल ये हो गया, मैं इसको भी यहाँ से खोल के इसमें पोर कर सकती हूँ और ये मेरे बैग के लिए बॉडी मिस्ट रेडी हो जाता है। सो मुझे बॉटल्स काफी सही लगी, मैं इनको रीयूज भी कर सकती हूँ, अपने छोटे छोटे बैग में फिट आ जाती है ईजिली। मैं इसको 8-10 बार यूज कर सकती हूँ, आप इसको वीक में एक बार रिफिल कर सकते हो और अपने छोटे छोटे क्लच में डाल सकते हो जो आप वेडिंग या पार्टीज में लेके जाते हो। वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड स्मेल्स हेवन। आई हैव अनदर बॉडी मिस्ट रिकमेंडेशन जो मैं ऊपर नहीं लाई बिकॉज प्रोबेबली मेरा वो इतना फेवरेट नहीं है। ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का रेड कलर कोई वेरिएंट है, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी। ये मैंने अपने अंदर अलमीरा में रखा हुआ है बिकॉज इसकी खुशबू काफी मीठी है, तो जितने भी लोग जो मीठी खुशबू प्रेफर करते हैं वो ये वाला बॉडी मिस्ट ले सकते हैं। मैं एक रिकमेंडेशन आपको भी दे रही हूँ, बट आई कैन डेफिनेटली से ये जो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के मिस्ट होते हैं ना, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो अगर आपके पास कोई सिट्रस या थोड़े से मैनली साइड को रिकमेंडेशन है ना फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। आई डेफिनेटली बाय इट। नाइका पर बहुत अमेजिंग सेल चलती है, बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू ऐसे करके, तो तब मैं डेफिनेटली लूंगी। सो मुझे प्लीज रिकमेंड करो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के सिट्रसी रेंज में से। अगर मैं स्टेइंग पावर की बात करूँ ना, बाथ एंड बॉडी वर्क्स जितना ही नाइका वाला भी स्टे करता है, सो दोनों की स्टेइंग पावर काफी सही है। ये जो न्यू यू का है ये भी काफी सही स्टे करता है, लेकिन इसकी खुशबू थोड़ी थोड़ी फेड होती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। प्लम की जो बॉडी में इसकी खुशबू है वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसका सबसे बड़ा कॉन यही है कि इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये काफी जल्दी 1-2 घंटे में उड़ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। सो इसको आपको रिटच करना पड़ता है। और ये इटैल वेलॉस वाले काफी अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है, लिटरली परफ्यूम जैसे फील होते हैं। सो अगर आप एकदम सस्ते में निपटना चाहते हो ना, आप कॉलेज में हो, स्कूल में, आपका बजट नहीं है, तो आप ये स्मिटन वाले ट्राई कर सकते हैं। ओके, आई वाज रॉन्ग, मेरे पास एक डिओड्रेंट भी है, ये पूरा पैक्ड है, तो मैंने बिल्कुल भी अभी स्निफ करके नहीं देखा। मैं आप सबके सामने इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने स्मिटन से ना कुछ टाइम पहले कुछ ऑर्डर किया था, तो मुझे फ्री रिसीव हुआ था उसके अंदर। ये खाली 30 रुपीज का है और ये मैंने अपने लोकल एरिया में जो केमिस्ट शॉप्स होती है ना वहाँ पर भी ये देखा है। तो अगर ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलता ना, अपने नियर बाय केमिस्ट पर देख सकते हो। ये 30 रुपीज का डिओड्रेंट है, बट ये फॉर मैन है, बट मुझे पता है मुझे मैनली खुशबू पसंद है। ये एक्स का मिनी टिकट डिओ, इसके अंदर 150 स्प्रेस आपको मिलती है, 0% गैस है इसके अंदर। इसका जो क्लेम है, न्यू जिंक फॉर्मुला फॉर एनहांस प्रोटेक्शन, नो डाइज एंड पैराबेन। ओके, सो 35, यस पे 35 लिखा, तो 35 रुपीज के हिसाब से इसके क्लेम काफी ज्यादा है। सो जरा देखते हैं। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, इतना छोटा इतना क्यूट सा है ना ये, लाइक लुक एट दिस। ये बहुत टाइम से मेरे पास रखा है, मैं वेट कर रही थी कि मैं इसको खोलूंगी, तो मुझे लगा आज परफेक्ट ओकेजन है। सो दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, इतना टीनी टाइनी। आई थिंक ये मेन के लिए भी परफेक्ट है, वो अपने पॉकेट में स्लाइड इन कर सकते हैं। सो लेट्स सी, इसी को कैप नहीं आती, सो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मैंने इतने परफ्यूम स्प्रे कर दिया ना, मुझे इतना डिफरेंस। ओके, काफी अच्छा इसका मिस्ट आया। या इट्स स्ट्रेट अप लाइक मैन,
या ये टिपिकल मैन वाला डिओड्रेंट है, सो अगर आपको प्रॉपर मैनली वाला डिओड्रेंट पसंद है ना तो आप ये ले सकते हो, या फिर आप लेट्स स्टार्ट विद परफ्यूम्स नाउ. सबसे पहला जो मेरा फेवरेट परफ्यूम है, जो लिटरली मैं सिर्फ तभी यूज करती हूँ जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, बिकॉज ये मेरे थोड़ा सा लग्जरी यूज में आता है. ये खाली एक लौता परफ्यूम है मेरे पास जो थोड़ा सा हाई एंड में आता है, लेकिन ये उनका छोटा वाला वर्जन है. जो इनके कलेक्शन सेट आता है ना उसमें से ये एक परफ्यूम है, ये बल्गारी का ओमनिया. सो बल्गारी का एक गिफ्ट सेट आता है जो अभी नायका पर भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो. नायका पर भी आपको ऑथेंटिक परफ्यूम ही मिलते हैं. सो इसमें आपको 5 ऐसे परफ्यूम्स मिलते हैं, उसमें से ये एक है पर्पल वाला ओमनिया, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था उसी गिफ्ट सेट में से. ये एयरपोर्ट पे भी काफी सस्ते मिल जाते हैं. एंड दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक, ऐसे लॉक सॉर्ट ऑफ एक दो सर्कल ऐसे आपको बॉटल मिलती है. एंड यू हैव टू ओपन द बॉटल फ्रॉम हेयर, जहाँ पे लिक्विड है ना ऐसे, और ये जो दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है. सो इसमें कोई स्प्रे नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, बट मैं इसको खाली हाई पॉइंट्स पे ऐसे लगाती हूँ, फिर यहाँ पे टच करा के इसको कान के पीछे लगा लेती हूँ. दैट्स इट, मैं इसको ज्यादा भर के नहीं यूज करती. इट इज एक्चुअली वेरी नाइस, मतलब जो प्रॉपर लग्जरी परफ्यूम की खुशबू होती है ना, इसकी बिल्कुल वैसी खुशबू है. अगर आप एक फैमिली मेंबर हो या फिर आप बहुत सारी फ्रेंड्स हो ना, आई वुड हाईली सजेस्ट आप ये बुल्गारी का सेट ले लो. इसमें आपको 5 परफ्यूम मिल जाते हैं, आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और आप एक एक की कॉस्ट देखोगे आपको काफी सस्ता पड़ेगा. बिकॉज ऐसे जो हाई एंड परफ्यूम होते हैं वो हम कभी कभी यूज करते हैं, तो एक बड़ी बॉटल आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप छोटी से भी इजिली काम चला सकते हो. नेक्स्ट जो मेरा मोस्ट यूज्ड परफ्यूम है, जो काफी अफोर्डेबल भी है, सो इजिली आप ये ग्रैब कर सकते हो, ये है नायका का EDP इन द वेरिएंट स्टे विद मी. अगर आपको नहीं पता नायका के भी EDP आते हैं, EDP का मतलब अगर आपको नहीं पता, इट मींस ऑल द परफ्यूम, या कोई फ्रेंच या फिर आई डोंट नो कोई और लैंग्वेज का वर्ड है, बट इसका मतलब है परफ्यूम्स. सो जो लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम कैटेगरी होती है उसको हम EDP बोलते हैं. सो ये भी एक EDP है इन द वेरिएंट स्टे विद मी. इसकी बहुत प्यारी ऐसे लाइट ग्रीन कलर की एस्थेटिक सी बॉटल है. इनके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, मेरे पास 2 या 3 आए थे PR में, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगा था. क्यों? बिकॉज इसकी सिट्रसी वाली खुशबू है. आई रियली लाइक द स्मेल. आई थिंक 699 समथिंग का ये आता है, और काफी अफोर्डेबल भी है. एट द सेम टाइम इट स्मेल्स हेवनली. सो इसके जो नोट्स है ना, जो इनकी वेबसाइट पे भी लिखे हैं, एरोमेटिक सिट्रसी फ्रूटी सेंट, जेस्टी एंड वाइब्रेंट इसकी फ्रेग्रेंस है, विच इज एग्जैक्टली राइट. बिकॉज इसका हल्का सा जो नोट आता है ना, जो बिलो वाले नोट्स आते हैं, अगर आपको नहीं पता परफ्यूम के नोट्स होते हैं टॉप बॉटम एंड मिडल. सो कभी कभी आपको स्मेल करते हो, आपको जो एकदम स्मेल करके दिखता है वो एकदम टॉप नोट होता है उसका, फिर आपको एक थोड़ी सी धीमी धीमी खुशबू आती है, वो उसका मिडल और बॉटम नोट होते हैं. सो इसका मिडल और जो बॉटम है ना, वो थोड़ा सा वुडी है, थोड़ा सा फ्रूटी है, लेकिन इसका जो टॉप नोट है ना, वो थोड़ा सा सिट्रसी है. परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें सिट्रसी और थोड़ी सी वुडी फ्रूटी वाली फ्रेग्रेंस एकदम मिक्स में आती है. सो अगर आप भी कंफ्यूज हो ना, ये वाला ना मुझे ज्यादा मीठे में जाना है, ना मुझे ज्यादा सिट्रसी में जाना है, दिस इज परफेक्ट फॉर यू. अफोर्डेबल है, लॉन्ग लास्टिंग EDP, एंड इट लुक्स क्यूट टू. नेक्स्ट परफ्यूम इज फ्रॉम ज़ारा, एकदम प्लेन व्हाइट एस्थेटिक सी बॉटल है. इसकी दूर से लगता है वो मिनीसो वाला इंसेंस स्टिक वाला नहीं होता है, बिल्कुल वैसा लगता है, लेकिन ये परफ्यूम है बेसिकली. ये कोई इनकी फेमी कलेक्शन का है, और कुछ इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ. आई एम नॉट रियली श्योर ये अभी भी आपको ज़ारा में मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज ज़ारा ईयरली बेसिस पे अपनी पूरी फ्रेग्रेंस चेंज करता रहता है. इनकी काफी कोलैबोरेशन वाले परफ्यूम होते हैं. सो इसका मैं श्योर नहीं हूँ, आप जाकर देख सकते हो कोई भी ज़ारा आउटलेट पे. ये भी काफी सही है, बट आई वोंट कॉल इट द बेस्ट. ये मतलब एकदम मेरी फेवरेट वाली खुशबू नहीं है. सो इसका जो खुशबू है ना, इट्स अगेन थोड़ी सी सिट्रसी है, थोड़ी सी मैंगली वाली खुशबू आती है, बट इसके जो खट्टे वाले नोट्स है ना, वो मुझे इतने नहीं पसंद. इसका सिट्रसी थोड़ा सा वियर्ड वाला, जो मुझे इतना वाव नहीं लगता, थोड़ा सा मुझे ये हेडेक टाइप लगता है. लेकिन अगर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी ना, ज़ारा का मैन का एक परफ्यूम आता है जिसका नाम है सियोल. मैं अभी पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, मेरे फ्रेंड के कार में वो रखा रहता है, एंड आई लव इट सो मच. मतलब मैं जब भी उसकी कार में बैठती हूँ, सबसे पहले वो परफ्यूम लगाती हूँ. इतनी अमेजिंग उसकी फ्रेग्रेंस है, वो बिल्कुल भी वो मैनली नहीं है, इट्स लाइक इन द मिडल. वो लड़कियां भी लगा सकते हैं, लड़के भी लगा सकते हैं. So, अगर मैं आपको ज़ारा का रेकमेंड करूंगी ना, मैं ये नहीं बोलूंगी गो फॉर द सियोल वन. ज़ारा के मैन परफ्यूम सेक्शन में जाना, सियोल की एक आपको ऐसी बॉटल दिखेगी, आपको यहाँ पे इमेज दिख जाएगी, एक बार स्निफ करके देखना, यू विल थैंक मी बिकॉज इट स्मेल्स डिवाइन. माय नेक्स्ट EDP इज न्यू इन माय कलेक्शन. अभी आपने मेरी प्रीवियस समर बॉडी केयर की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लेना. इसके बाद मैंने बहुत सारे समर के बॉडी केयर एसेंशियल उसमें फीचर किए थे. सो मैंने उसमें ये अमेज़न से ऑर्डर किया था, बिकॉज काफी लोग इसकी बात करते थे स्किन बाय टाइटन की, और मुझे बैग के लिए परफ्यूम चाहिए था. आप देख सकते हो मेरे पास जो बैग के लिए वो बॉडी मिस है, मेरे पास कोई परफ्यूम नहीं है जो थोड़ा सा मुझे लॉन्ग लास्टिंग वे में चाहिए. सो मैंने ऑर्डर किया था ये स्किन बाय टाइटन का न्यूड. ये भी ऑर्डर परफॉर्म है, EDP है ये भी, एंड द बॉटल लुक्स लाइक लग्जरी. लाइक लुक एट दिस, कितनी प्यारी लग्जूरियस इसकी बॉटल है. इसका प्राइस भी एकदम परफ्यूम वाला ही है. क्वांटिटी आपको थोड़ी सी वैसी मिल रही है, बैग स्टाइल परफ्यूम जितनी मिल रही है. एंड वंस यू ओपन इट वी हैव अ स्प्रे बॉटल. ये रोल ऑन नहीं है, जो ज़ारा के परफ्यूम आते हैं ना थोड़े से रोल ऑन फॉर्म में आते हैं, ये वाला स्प्रे बॉटल में आता है. ये न्यूड वेरियंट है एंड इट स्मेल्स सो गुड. अब तो खैर मेरा हाथ भर ही गया है, मैं क्या अपनी स्मेल कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे हाथ पे इतनी सारी फ्रेग्रेंस हो गई है.
या ये मैंने उसी टाइम अनबॉक्स किया था, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत डिफरेंट है। मेरे पास जितने भी अभी तक परफ्यूम है ना, इसकी काफ़ी अच्छी डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। इसके नोट्स मैंने उस वीडियो में बताए थे, मैं आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट ब्लश ऑफ स्पार्कलिंग लीची एंड रास्बेरी, तो जब आप उसको फर्स्ट टाइम स्प्रे करोगे ना, आपको आएगी हल्की सी एक फ्रूटी खुशबू आएगी, विच इज़ नॉट वेरी स्वीट, तो मुझे अच्छी लगी है। हल्की सी इसकी रास्बेरी लीची वाली खुशबू आती है, फिर उसके बाद आती है इसमें सिट्रसी बर्गमॉट की स्मेल आती है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। इसमें एक सिट्रस और स्वीट का बहुत अच्छा मिक्स है। एंड देन जो इसका जो बिलो वाला नोट है ना, वो हल्का सा हिंट ऑफ मस्क आता है, विच मेक्स अ मेमोरी ऑफ स्वीट रोमांस। तो एकदम टॉप से हल्का सा स्वीट वाला आता है, मिडिल में हल्का सा सिट्रसी आता है, और जो लास्ट वाला आता है वो मस्की आता है मैन वाला। तो एकदम परफेक्ट ये फ्रेग्रेंस है, मतलब इसमें किसी का भी एक पर्टिकुलर मीठे का या फिर सिट्रसी का एकदम ओवर पावरिंग खुशबू नहीं है। इसमें मिक्स आता है, बहुत अच्छा आता है, ये भी काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था, आई लव इट। नेक्स्ट CDP इज फ्रॉम द ब्रांड मसावा बाय नायका, मोई का बर्न बेबी वेरियंट है। सो मोई जो आते हैं ना, नायका के अपने परफ्यूम्स भी आते हैं मोई नाम से, काफी लोग परचेज करते हैं। 299 रुपीज में आपको काफी सही ट्रैवल साइज परफ्यूम मिल जाते हैं, लेकिन ये उनकी मसावा बाय नायका कलेक्शन का है, ये भी 299 रुपीज का है। सो इसकी पैकेजिंग से आपको इसका नेम जस्टिफाई हो गया होगा, बर्न बेब, बिल्कुल चिली चिली वाली पैकेजिंग है इसकी, लेकिन अंदर से जो ये परफ्यूम है वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें खाली आपको वेरियंट का नाम मिल जाता है, दैट्स इट। वेरियंट का नेम भी नहीं मिलता, लाइक वेयर इज द वेरियंट नेम, इन्होंने वेरिएंट का नेम यहाँ छोटा सा लिखा हुआ है, अदरवाइज सबकी जो सारे वेरिएंट के पैकेजिंग है वो कुछ ऐसी आपको मिलेगी। आपको मिलता है ऐसे स्प्रे फॉर्म में, ये रोल ऑन नहीं है, आपको स्प्रे फॉर्म में मिलता है, तो काफी कन्वीनियंट है यूज करना। द ओनली थिंग इज ये जो बर्न बेब है ना, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं लगती, आई टेल यू व्हाई। इसकी जो खुशबू है ना, वो स्ट्रेट अप एकदम जो वुडी सैंडलवुड चंदन जैसी खुशबू नहीं आती, जो हल्के से वैसे टोन्स पे जाती है, इसकी वैसी वाली खुशबू है। तो अगर आपको वुडी खुशबू पसंद है ना, अब तक मैंने आपको जितने भी परफ्यूम दिखाया ना, किसी में भी ऐसी वाली खुशबू नहीं है। सो इफ यू आर मोर इनटू वुडी सैंडलवुड जो चंदन वाली खुशबू होती है, यू कैन गो फॉर दिस वन, अदरवाइज आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन। आई डोंट नो, इसको लगा के ना मुझे बड़ा इरिटेटेड सा फील होता है, सो दिस इज नॉट समथिंग वेरी प्लीजिंग, इसलिए इतने टाइम से ऐसी की ऐसी रखी है। मैंने लिटरली इसको अपनी पैकेजिंग में रखा हुआ है, मैंने इसको ज्यादा यूज नहीं किया हुआ। अनदर एडिशन ऑफ परफ्यूम मुझे जस्ट अभी याद आया, बिकॉज मैंने रिसेंटली यहाँ पर ही उसका शूट किया था। मुझे जैकलिन बाय यूएसए ने 3 परफ्यूम भेजे थे रिसेंटली फॉर इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन, और उसमें से मुझे एक वेरिएंट काफी सही लगा था, मुझे अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बिकॉज मैंने उसको 2-3 बार यूज किया, फिर पैक करके रख दिया था बॉक्स में ही उसके। मेरे पास स्पेस की काफी ज्यादा कमी है, और वो कांच की बड़ी बड़ी बॉटल होती है ना, तो मैं इसे सामने नहीं रखती, इसलिए मैं भूल गई, अदरवाइज मैं हमेशा यहाँ पे मेंशन करती। मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगी उसकी, आई रियली लाइक दैट वन। जब मेरे ये वाले परफ्यूम थोड़े से खत्म हो जाएंगे ना, तब मैं उसको निकालने वाली हूँ, बहुत अच्छी उसकी खुशबू है। आई थिंक वो 1500 या 1600 समथिंग का आता है, ऑनलाइन अगर मिलेगा तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी, अदरवाइज अगेन आप न्यू यू के स्टोर से या फिर जैकलिन की वेबसाइट से ले सकते हो। इट स्मेल्स लाइक परफेक्ट, जो डेट नाइट की एक लग्जरी खुशबू होती है ना, इसकी बिल्कुल ऐसी वाली खुशबू है। एंड दिस माय फ्रेग्रेंस कलेक्शन इज ओवर, इतने कोई हाईफाई नहीं है, बट यही है जो है, मैं ज्यादा इतना स्पेंड नहीं करती खुशबू पर, थोड़ी थोड़ी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, दैट्स इट। मैं अभी इतनी क्रेजी नहीं हूं, बट डू लेट मी नो व्हाट इज योर फेवरेट परफ्यूम, ईडीपी और बॉडी मिस्ट, कोई भी आपका जो फेवरेट हो जो आप एवरीडे बेसिस पे यूज करते हो, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल्सो मुझे भी कुछ सजेस्ट करो यार, मेरा बहुत मन है थोड़ा सा सिट्रसी साइड में और परफ्यूम या फिर मिस्ट एक्सप्लोर करने का, मैं थोड़ी सी इनसे बोर हो चुकी हूँ, तो मुझे कुछ अच्छे बॉडी मिस्ट होना जो थोड़े से सिट्रसी या फिर मैनली साइड पे हो, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आई डेफिनेटली बाय इट नेक्स्ट टाइम एंड रिव्यू फॉर यू गाइज। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिले तो आप कोई शॉप से भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आई थिंक एक एक्स वाला शायद ही ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन मिलेगा तो आपको ज्यादा सेट लेने पड़ेंगे, बिकॉज 35 रुपीज की चीज को ऐसे डिलीवर नहीं करता, बट ये डेफिनेटली मैंने अपने नियर बाय केमिस्ट पे देखा था, तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। अदरवाइज स्मिटन वाले आप स्मिटन से ले सकते हो, मैं अपना स्मिटन का रेफरल कोड भी नीचे डाल दूंगी, अगर आप वहां पे जाके ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हो। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।